नमस्कार साथियों, ब्रह्म आत्म विस्तार ये है हमारा शीर्षक और इसी के आलोचना में स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार सुन लेते हैं कि ब्रह्म आत्म विस्तार पे प्रज्ञान पुरुष क्या कहे हैं। जैसे समुद्र का पानी का उदाहरण लगाया, सोने के जैसे गहना ऑर्नामेंट बनते, अलग अलग डिजाइन बनते, लेकिन सबस्टेंस एक है। तो सबस्टेंस है असली मैं और हर आदमी है उसको डिजाइन। तो डिजाइन में कोई सोना का क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा भी होता है, कभी कमी होता है। ये तो व्यवहार को वास्ते गुण उपाधि लगा के उसको व्यवहार करते हैं। तो गुण उपाधि सुनो, जो मैं है वो है अपना असली स्वरूप। मैं दोहरा देता हूं, जैसे समुद्र के पानी का उदाहरण दिया गया, सोने के जैसे गहने ऑर्नामेंट्स बनते हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनते हैं, लेकिन सब्सटेंस एक ही है। तो सब्सटेंस है असली मैं और हर आदमी है उसका डिजाइन। ये हमने डिस्कस कर लिया पिछली बार। आगे कहते हैं, तो डिजाइन में सोने की क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। सब कुछ व्यवहार के लिए है, गुण उपाधि लगाकर उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन गुण उपाधि शून्य जो मैं है वही है अपना असली स्वरूप। तो वो गुण उपाधि लगाकर मैं का व्यवहार आदि हम कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं, समुद्र के उदाहरण, गहनों के उदाहरण आदि से। अब हम आते हैं आत्मानुसंधान जो किताब है उस पर, पेज 59 बॉटम पार्ट में कह रहे हैं, जो मैं यहां है, अपनी ओर इशारा करके कह रहे हैं, जो मैं यहां है वही मैं तुम्हारे अंदर भी है, वही मैं राम में भी है, कृष्ण में भी है, बुद्ध में भी है, ईसा मसीह में भी है, सब में वह एक ही मैं है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। जैसे ही मिश्रण बढ़ जाता है, अर्थात सात्विक तामसिक राजसिक, ये जो गुणों का मिश्रण है, इसमें सात्विक गुण तो बहुत कम रहते हैं नॉर्मली हम लोगों में, राजसिक और तामसिक गुण बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोगों का जो मिश्रित व्यवहार है वो बढ़ जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम लिया गया, ईसा मसीह, बुद्ध, राम, कृष्ण, ये जो पूर्ण ज्ञानी पुरुष हैं, इनका जो स्वभाव है वो विशुद्ध स्वभाव होता है, अर्थात विशुद्ध प्योर स्वभाव। तो बोध का जब प्रकाश आ रहा है इन द प्योरेस्ट फॉर्म, वो इनके अंदर से उद्गत होता है, और हमारे अंदर वही बोध का प्रकाश है लेकिन इम्प्योर फॉर्म में, ये राजसिक तामसिक गुणों के मिश्रण की वजह से। उनके अंदर शुद्ध सात्विक गुण खेलता है, हमारे अंदर सात्विक गुणों की ही कमी है, शुद्ध सात्विक तो और आगे है, ज्यादातर राजसिक तामसिक है। उनके अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुण नहीं है, केवल शुद्ध सात्विक है, एकदम हाईएस्ट गुणों की जो पराकाष्ठा है वो उनके अंदर खेलती है। आगे कहते हैं, स्वभाव से जीवन चलता है अलग अलग ढंग से, सबको अलग अलग समझकर वह अपने आप को सबसे अलग समझता है, भिन्न समझता है, सबको अपने आप से भिन्न समझता है, यह स्वभाव का धर्म है। देखिए, एंगल दो हैं, एक मैं अपने आप को दूसरों से भिन्न समझूं। देखिए, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं उन्हीं की वाणी को रिपीट करता हूं, इट विल क्लैरिफाई यू फ्रॉम बोथ एंगल्स, फ्रॉम मी टू देयर, फ्रॉम देयर टू मी। ये बहुत जरूरी है साइकिल कंप्लीट होने के लिए। केवल एक साइड से अगर हो गया तो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, काम हमारा अधूरा रह जाता है। हम जिस प्रतिष्ठा में, पक्का मैं की प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएगा, ये गौर करना पड़ेगा। सुनते हैं, वह अपने आप को सबसे अलग समझता है, भिन्न समझता है, सबको अपने आप से भिन्न समझता है, यह स्वभाव का धर्म है। सबसे पहले अपने आप को देखता है, कौन सा आप, जो कच्चे मैं वाला आप है, उस मैं को सबसे भिन्न देखता है,
और वो भिन्नता में भी और भिन्नता कैसे लाता है कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ज्यादा गुणी हूँ, मैं ज्यादा बड़ा हूँ, और अपना आधिपत्य विस्तार करने की कोशिश करता है। और भिन्नता जो है अपनी कमजोरी के एंगल से नहीं देखता है। अगर कमजोरी के एंगल से देखना शुरू करे तो कुछ सुधार की ओर बढ़ेगा। अर्थात झूठ बोलना अगर मान लीजिए आदत है तो वो नहीं देखेगा वो। अगर परनिंदा परचर्चा करना आदत है तो नहीं देखेगा। अगर आलसी है तो वो नहीं देखेगा। कहाँ पे उसको अपना आधिपत्य यानी अपने को बड़ा प्रतिष्ठा कर पाने का मौका मिलेगा उसको पकड़ के वो भिन्नता देखेगा। अब आगे कह रहे हैं सबको अपने से भिन्न देखता है। अपने को जब अपनी ओर नजर रखता है तो दूसरों से भिन्न, और सबको जब देखता है तो अपने से भिन्न देखता है। उसमें कोई अच्छी चीज लेना सबको मींस जाहिर सी बात है गुणी इंसान भी उसके सामने आते होंगे। उन गुणी इंसानों का गुण देखकर गुण ग्रहण करना यह आदत बहुत कम होती है। गुणी इंसान को हम नजरअंदाज कर देते हैं और जिनमें जो कमी है उसको बड़ा करके उसको डिग्रेड करना। तो ये बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं दोस्तों, ये किसी को डिग्रेड अपग्रेड करने के लिए नहीं कही जा रही हैं। ये स्वभाव के धर्म की बात की जा रही है, ये स्वभाव की प्रकृति है, ऐसा बन गया है स्वभाव। और जो ब्रह्म आत्मज्ञानी पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, उनका स्वभाव विशुद्ध है, प्योर स्वभाव है, इसलिए उनके अंदर ये चीजें प्रतिभात नहीं होती हैं। वो ये जगत खेल को खेलने आते हैं पूर्ण ज्ञान में, अर्थात अपने प्रज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित रहकर इस जगत खेल को खेलते हैं। ये नाटक, रोमांच, सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण का जीवन देखें, राम का जीवन देखें, किसी का भी देखें, हर चीज उन्होंने की है उस अवस्था के अनुसार जो कुछ करना चाहिए किया है। हमने पढ़ा है कि राम रोए हैं, तो अब अगर हम ये सोचने लगे कि राम कैसे रोए तो बात ठीक नहीं रहेगी। याद रखिएगा नाटक करने में नंबर वन एक्टर हैं, नंबर वन। उनकी एक्टिंग में कहीं पे कोई भी आपको लूपहोल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूर्ण बोध में प्रतिष्ठित हैं। वापस आते हैं स्वभाव के नॉर्मल हमारे धर्म में। यह स्वभाव का धर्म है, लेकिन स्वबोध का धर्म ऐसा नहीं है। स्वबोध का धर्म है एक समान, और स्वबोध के ऊपर जो है वह तो है आत्मा का असली स्वरूप, आई रियलिटी। ये आई रियलिटी के ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक संज्ञा, ये एक शब्द उनके अंदर उद्गत हुआ है, डिक्शनरी का ही शब्द, आई मैं रियलिटी तत्व, मैं तत्व के रूप से ये शब्द इनके अंदर उद्गत हुआ है, जो सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम इस हिसाब से उनके अंदर उद्गत हुआ है। दैट इज द रियलिटी इटसेल्फ, वो तत्व स्वरूप है। एब्सोल्यूट में कोई ड्यूअलिटी नहीं है, प्लूरैलिटी एंड रिलेटिविटी की तो बात ही नहीं हो सकती है। कह रहे हैं कि दो भी नहीं है एब्सोल्यूट में। जब एब्सोल्यूट में दो ही नहीं है तो नानात्व बहुत्व कहां से आएगा, तो बात ही नहीं हो सकती है। तो ये एक एंगल रहा। आइए एक एंगल और देखते हैं, ये है आत्मतत्व, जिसका जिक्र हमने पिछली कड़ी में किया था। आत्मतत्व बंगला की किताब है, मैं आपको अनुवाद करके पढ़ के सुना देता हूं क्या कह रहे हैं। तुम लोग मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा जो भावना करते हो, देखते हो, समझते हो, वही है तुम लोगों की अनुभूति। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे कहते हैं इस अनुभूति के विषय में सब कुछ इंद्रिय ग्राह्य परिदृश्यमान नाम रूप का जगत है। ये जो इंद्रिय हैं हमारे, आंखों से हम रूप लेते हैं, कान से हम शब्द लेते हैं, मुंह से हम बातें करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श लेते हैं। तो देख लीजिए ये शब्द मुंह से, स्पर्श और आंख से हम फॉर्म लेते हैं, कान से हम साउंड लेते हैं, नासिका से हम घ्राण लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श लेते हैं, तो मुंह से हम बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जीव से स्वाद लेना, नाक से घ्राण लेना, त्वचा से स्पर्श लेना, कान से शब्द लेना, आंख से
फॉर्म देखना, ये है हमारे ज्ञान आहरण के 5 इंद्रिय। इससे आगे हम कोई ज्ञान आहरण कर नहीं पाते हैं। इसी बात को वो कह रहे हैं, ये जो अनुभूति के विषय हैं ये सब इंद्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियों के जो ग्राह्य हैं, इंद्रियों का जो खाद्य है, ये सब यही हैं, परिदृश्यमान नाम रूप के जगत से रिलेटेड हैं। ये सब अनुभूत जो है ये सत्य नहीं है। इन अनुभूतियों द्वारा, इन इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभूत होता है ये सत्य नहीं है, दृश्य मात्र ही मिथ्या है। यद्यपि स्वभाव की दृष्टि से वो सत्य रूप से प्रतीत होता है, मन उसे सत्य रूप से मानता है, कल्पना करके मान लेता है। दृश्य मात्र ही कालाधीन है, अर्थात आज है कल नहीं है। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कोई भी दृश्य परमानेंट नहीं होता है। आज है कल नहीं है का अर्थ यह है, कल का अर्थ मतलब एनी टुमारो, जो कुछ दिनों के बाद भी आ सकता है, लेकिन वो आज है कल नहीं है, एफिमरल है। जो विकारी है, स्वल्पकाल स्थायी है, वही परिणामी है, अनित्य है, इसलिए वह मिथ्या है। अब देखिए, ये एनालिटिकली बात को बता रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के माध्यम से ब्रह्म आत्मा का विस्तार। अब ये ब्रह्म आत्मा के विस्तार में, ब्रह्म आत्मा का सत्य में मैं वापस कैसे आऊंगा? अब इस विस्तार में फंस गया हूं तो इसी ब्रह्म आत्मा पे वापस कैसे आऊंगा? तो एनालिटिकली एनालाइज कर करके, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे वो बता रहे हैं हमको, हम कदम दर कदम इसीलिए बढ़ते हैं उनकी बातों को पकड़ के। जो सत्य है वह नित्य है, शाश्वत है, अच्युत है, अविनाशी है, अपरिणामी है। ये बातें इसलिए बताते हैं कि हमको मिलान करके देख लेना पड़ेगा। जिस चीज का व्यवहार करके मैंने अपने दिल से लगा लिया, बहुत करीब कर लिया, देख लूंगा क्या वो अपरिणामी है, क्या वो नित्य है, क्या वो शाश्वत है, वो कभी भी हिलने डुलने वाला नहीं है, अविनाशी है। हम लोग ऐसा देखते नहीं है, तो इनकी बातों से प्रेरणा लेके अगर देखना शुरू करेंगे तो जीवन और भी सुचारू रूप से चलना शुरू होगा। उनका जो ब्रह्म आत्मा है, जिनमें कोई विकार नहीं है, कुछ नहीं है, उनका कोई विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, रूपांतर नहीं है। मिथ्या दृश्य के पश्चात में साक्षी स्वरूप नित्य वर्तमान है, वही एकमात्र सत्य है। यही साक्षी स्वरूप दृष्टा को ही ईश्वर या आत्मा या ब्रह्म कहा जाता है, वही है हमारे सबका यथार्थ स्वरूप। ठीक, लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है, ये चर्चा आगे भी करनी है उनकी बातों के अनुसार, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, हम अगली कड़ी में फिर से बात करेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन, और ब्रह्म आत्म विस्तार इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे अगली कड़ी में। Guru Ishta Akhanda Mahaprabhu
शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान।